इस वक्त साड़ी टीम पहुंची हुई है जलंधर के प्रेस क्लब के विच जिथे सिमरजीत सिंह बैंस होर ने एक प्रेस वार्ता की है। कि इस प्रेस वार्ता का मुद्दा आ ते की होया उस कुड़ी दे नाल तुहानू दस दिए कि सिमरजीत सिंह बैंस हर वार कोई ना कोई मुद्दा लैके ही प्रेस क्लब आते हैं, किसी विरोधी धिर के निशाने पर नहीं आते, हर वार लोगों दी समस्यावां वो जन तक करते हैं। अज कि मुद्दा आ आओ जानते हैं। पहले तो मैं पूछना चाहवागी कि तुहानू इस मसले बारे पता किवें लग्गिया, तुसीं जांच किवें कीती? लॉ स्टूडेंट हैगी आ, सैकंड ईयर खालसा कॉलेज अमृतसर, इहदे पेके हुशियारपुर आ, मैरिड है, कि 6 साल का बच्चा। इहदा एक लाइव वीडियो मैनू मुंडिया ने दिखाया भी, मैनू बहुत सारे मैसेज आए मेरे सोशल अकाउंट के उत्ते भी, बैन साहब एक धी अपना दर्द बयान कर रही है। सो मैं इहदा ऑडियो इहदा वीडियो देख के लाइव, मैं मुंडिया ने ड्यूटी लाई भी, इहदा नंबर लभो कुड़ी दा ते पुछिए इहनू की प्रॉब्लम की आ। नंबर मिलिया, मैं भैन नू कॉल कीती ते हैरानगी हुई, इहने कहा मैं वीर जी तुहानू बड़े वट्सएप किए बट तुसी मेल नहीं हो सकिया, क्योंकि वट्सएप के उत्ते ट्रैफिक इन्ना ज़्यादा बिजी सीगा, नहीं मैं सीन नहीं की कर सकिया। मैं बैठ के सारी गल सुनी ते अज मैं इसे वास्ते प्रेस क्लब जलंधर दे वी तुहाडे रूबरू इस भैन नू लैके होया, जिहड़ी अज पंजाब पुलिस गुंडा अंसरां दे विच तब्दील हुई है, खाखी अज बदनाम हो रही है। पंजाब दे अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकलिया इस भैन दे नाल। एक AIG रैंक दे पुलिस ऑफिसर ने अपनी वर्दी का नजायज़ फायदा चकते हुए, इहदा बच्चा मारन दीआं धमकियां दिंदे हुए, इहदे पति नूं मारन दीआं धमकियां दिंदे हुए, इहदे नाल जिस्मानी शोषण कीता। इस कुड़ी दे कोले एक एक रिकॉर्ड हैगा, इस कुड़ी दे कोले एक एक प्रूफ है, वट्सएप दी चैटिंग आ, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ, वीडियो रिकॉर्डिंग आ। अफसोस इस गल का जट जटा दे ते भोलू नारायण का, कोई मातड़ बंदे को माड़ी जी गलती हो जाए तो पुलिस वाले जद ही उन्हें जलील करते, थाने बंद करते, FIR दर्ज, तो धी दे नाल की कुछ होया? इस करके कार्रवाई नहीं भी वो AIG है तो पुलिस कार्रवाई ना करे। मैं इस करके अज प्रेस क्लब जलंधर दे विच आया भी असी इस धी नूं इंसाफ दवा के रवांगे। इहदे नाल जिहड़ा जिस्मानी शोषण किया गया डिसमिस करा के रवांगे उस AIG नूं, ते इहनूं न्याय दवाउण वास्ते चाहे मैनूं मुख्यमंत्री दे घर बार बैठना पवे ते चाहे मैनूं हाई कोर्ट जाना पवे, मैं जाऊँगा हर जगह। मैं तुहाडे तों पुछना चाहवांगी कि तुहाडे नाल इन्ना गलत होया, हुण इह प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच तुसीं इह गल कही है कि नन्नी छां मुहिम चलाई जाती है साडी सरकार वल्लों, विरोधी धिरां वल्लों कुड़ियां नूं लै के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दा साडी केंद्र सरकार तों वी इह नारा बड़ा प्रचलित है। सरकार नूं की मैसेज देना चाहोगे कि कुड़ियां सुरक्षित ने इह मुहिम होण दे बावजूद वी? नो, कोई कुड़ियां सुरक्षित नहीं हैगियां। जे कुड़ियां सुरक्षित हुंदियां उहनां नूं फ्रीडम हुंदी, इदां दे जिहड़े अफसर ने उन्हां दा शोषण करते, कोई कुड़ियां सुरक्षित नहीं हैगियां। इन्ना कुछ होण तों बाद भी सरकार नूं आपे नहीं चेता, दिहाड़ी च 1000 वारी ये डायलॉग कंधा कंधा ते लिखिया, सड़कां सड़कां ते डायलॉग लिखिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्हां 8 दिनां च पता नहीं मैं किन्नी 1000 वारी ये चीज़ नूं पढ़िया, पर किहने बचाया? मेरी कंप्लेंट होने तो बाद भी 3 गैंगरेप दियां कंप्लेंटां होर मीडिया दे विच आ गईयां, उन्हां दी भी किसी ने नहीं सुनी, किहने बचाया? किसी ने भी नहीं। पुलिस नूं तुसीं कंप्लेंट कीती, पुलिस ने तुहाडे नाल गलत कीता, तुसीं पुलिस दा विरोध कीता या उन्हां नूं कहा कि मैं तुहाडे अगे कार्रवाई कर सकदी हां? अगों पुलिस ने की कहा, की कारण की आ पुलिस दा ए बिहेवियर तुहाडे प्रति अपनाउण दा? मैम मैनू नहीं पता कि ओबियस उन्हां दे डिपार्टमेंट दा बंदा आ, वो दी हैल्प करनगे, है ना। जिस दिन मैं SHO सर कोल कंप्लेंट करन गई सी, उस उन्होंने मैनू ये कह के घर भेजता कि सवेरे वेखांगे, हुण बहुत टाइम हो गया। मैं कहा सर मेरी जान नू खतरा आ, मैं घर नहीं जा सकती। कहिंदे इत्थे नेड़े ही एक मॉडल टाउन दे विच मंदिर आ, उत्थे जन्माष्टमी चल रही आ, हज़ारां लोकी ने, तू उत्थे बह के रात कट ला ते सवेरे असीं तेरी कार्रवाई करांगे। ते उस तों बाद उन्होंने जदों मैं कॉल भी कीती कि सर मैनू हले भी धमकियां आ रहियां ने, मैनू हले भी मारन नू कहा जा रहा कि तू मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट करके आई है, मैं तैनू मरवाउण लगा आ, वो कहिंदे मैं इहदे च की करां, इह कह के उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया सी। तुहाडे कोल ए जो कुछ तुसीं क्या आ सिमरजीत बैंस होरी कह रहे, तुहाडे कोल हर प्रूफ है, कोई एक अद्धा प्रूफ तुसीं कैमरे अगे दिखाना चाहोगे? मैं लास्ट मैसेज ही उहदा विखाउनी आ जदों मैं कंप्लेंट करके आई हाँ, जो उन्हें मैनू धमकियां दित्तियां ने और मैनू कहा कि SHO इज़ माई फ्रेंड, कि उन्हें मैनू तेरी लोकेशन सेंड करती आ, वेखो ये उस रात के मैसेजेस ने। 17 सितंबर नू मैं कंप्लेंट की आ, उदों दे उहदे मैसेजेस, जे तू फोन ना चक्या ना की ना कॉल मी विल कॉल, उस तो बाद इनिया कॉल्स, फिर माई SHO नोज गली नंबर 4 वेयर आर यू स्टेइंग 2 टाइम्स अर्लीयर कॉल मी,
कि मेरे एस एच ओ ने मैनू दसता आ कि तू गली नंबर 4 दे विच रहनी आ तू उत्थे आ। उस तो बाद दीआं उहदीआं कॉल्स, उस तो बाद उहने जिन्नीआं मैनू कॉल्स कीतीआं इत्थे धमकीआं दित्तीआं ने सारीआं, उस रात उस बंदे दीआं मैनू 3 बजे तक सवेरे धमकीआं आईआं कि तू कंप्लेंट वापस कर ला, हुणे ही जाके एस एच ओ नूं कह के मेरी कंप्लेंट वापस आ ते जे तू ना कीती तां मैं तैनूं मरवाउण लगा हां, मैं तेरे इत्थे गोली मारूंगा, मैं तेरे उत्थे गोली मारूंगा, मैं तैनूं चका के लियाऊंगा। उहदीआं जो वी धमकीआं उहदे विच रिकॉर्ड ने मेरे फोन दे विच। गल करिए तुसीं जिस मुहल्ले दे विच रहिंदे हो, जिहड़ी जगह दे विच रहिंदे हो, उत्थे दे लोक तुहाडा साथ दिंदे ने, उत्थे दे लोक तुहानूं सपोर्ट करदे ने? बिल्कुल, सारे मैनूं सपोर्ट कर रहे ने, और ईवन मैनूं इह वी कई लोकी मैनूं प्रैशराइज वी कर रहे ने। मेरे शहर दे कोई पोलिटिकल लीडर ने, मैं नाम तो नहीं लाऊंगी, जिहड़े मेरा ही सौदा करी जा रहे ने कि लिआओ सानूं 20 लाख रुपया दिओ, असीं कुड़ी नूं दब के बिठा दिंदे आ। मैं उहनां नूं वी कहूंगी कि तुहाडे घर वी कुड़ियां ने, वारी उहनां दी वी आ सकदी आ, शर्म करो, थोड़ी जिही शर्म करो। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਫੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ DSP ਡੋਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੱਕ ਤੋਂ ਚੋ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦਾ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਜੂਗਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੁਆ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਵਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।